एजेंसी में हम लोग को सूचना मिली थी, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आज उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते अरेस्ट किया। राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। घाघरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को एसीबी ने 5,000 घूस लेते शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घाघरा प्रखंड के जलका ग्राम निवासी संतोष साहू ने एसीबी में आवेदन देकर बीपीओ विपिन कुमार के द्वारा 15,000 घूस मांगने की शिकायत की थी, जिसकी सत्यापन के लिए हम लोग शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें 5,000 घूस के पैसे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में शिकायतकर्ता संतोष साहू से पूछने पर उन्होंने बताया कि रुकी जामटोली में आंगनबाड़ी कार्य कराया जा रहा था, जिसके बीपीओ के द्वारा 15,000 की मांग की गई थी, जिसमें मैंने 5,000 पहले दिया और काम को शुरू कराया, जिसके बाद बीपीओ के द्वारा काम को रोक दिया गया और कहा गया कि पहले पूरा पैसा दो, उसके बाद ही काम शुरू करना, जिसके बाद मैंने एसीबी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बीपीओ को उसके चैम्बर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। में हम लोग को सूचना मिली थी, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आज उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते अरेस्ट किया। हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट एसडीओ हैं और दो सरकारी विटनेस हैं। कितना रिश्वत ले? 5,000 रुपये। किस चीज़ के लिए मांग किया गया था सर? योजना तो बुला रहे थे योजना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।